हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आपने पतंजलि आटा नूडल्स और मैगी मसाला तो खाया ही होगा गाइस। इन दोनों को एक साथ किस किस ने खाया है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। आज मैं इन दोनों को एक साथ ट्राई कर रही हूँ गाइस, तो देखते हैं इन दोनों का आपस में टेस्ट कैसा होता है। तो गाइस, आपने भी अगर ये दोनों एक साथ ट्राई की है तो प्लीज मुझे बताना। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ और देखते ही कैसा टेस्ट करता है। ये देखिए गाइस, मैंने अब मैगी को निकाल लिया है रैपर से और यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको गर्म पानी में, जैसे सिंपल तरीके से हम मैगी बनाते हैं वैसे ही हमने इसको बनाना है। गाइस यहाँ देखिए, मेरा पानी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें मैगी डाल रही हूँ और यहाँ पे मैंने पतंजलि की भी मैगी डाल दी है, आटा नूडल्स। तो गाइस ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे से पानी में मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ पतंजलि आटा नूडल्स का यहाँ पे मसाला। और गाइस ये देखिए, अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मैगी मसाला का मसाला, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको अच्छे से, जैसे हम मैगी बनाते हैं गाइस वो ही सिंपल तरीका है, तो ये तो सबको ही पता होगा गाइस। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और पकने तक का वेट करूंगी। बोलते हैं 5 मिनट में मैगी बन जाती, तो गाइस यहाँ मेरी तो 10 मिनट में बनी। तो यहाँ देखिए गाइस, मैंने इसमें पानी कम डाला है क्योंकि मुझे सूपी पसंद नहीं है ज्यादा। तो अगर आपको सूपी मैगी पसंद है तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। यहाँ देखिए गाइस, मेरी मैगी बनके तैयार है। और गाइस इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा, आप भी इसको ट्राई जरूर।